नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक हो और आपके साथ आपका बर्ड्स भी ठीक ठाक है। दोस्तों आज शुरू करते हैं एक नया वीडियो जो कि बर्ड्स के मेडिसिन के बारे में है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो इजीली कोई आपको नहीं बताएगा। मैं अपने ब्रीडिंग फार्म में सारा साल जो मेडिसिन यूज़ करता हूँ वही मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। बहुत सारा फ्रेंड्स जो बाज़ार से चिड़िया खरीद के लाते हैं लेकिन उसे ठीक तरीके से ब्रीड नहीं करा पाता है, ठीक तरीके से उसको बच्चा नहीं मिलता है और वो थोड़ी ही दिनों में निराश होकर बर्ड पालना छोड़ देता है या फिर बहुत ही जल्दी निराश हो जाता है। तो मैं आज कुछ बेसिक सी मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। मेरे इस वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि सब मेडिसिन ही बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बर्ड के लिए। यहाँ पर जो मेडिसिन आप लोग देख रहे हो वो मेडिसिन का नाम पहले मैं बता दूँ, रिकोवेट है, इलेक्ट्रोकॉन, नॉर्मेट्रोजिल, एम्बीप्लेक्स, कैल्डिसोल डीसी या फिर कैल्डिसोल प्लस, हिमालया का बोनिसोन ड्रॉप, एंटीबायोटिक के लिए मॉरीफ्लॉक्स या फिर मेरी क्वीन या फिर आप टेरामाइसिन भी यूज़ कर सकते हो, इविगोन ई, और एक है होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि मिडिल में छोटा सा डब्बे में है, उसका नाम है पल्सर टीला 30। तो दोस्तों आइए ये सब मेडिसिन को हम डिटेल में जानते हैं कि कौन सा मेडिसिन क्या करता है। पहले देखते हैं रिकोविट, ये एक मल्टीविटामिन है, इसको मल्टीविटामिन के लिए यूज़ करता हूँ मैं अपने बर्ड फार्म में। इसका कॉम्पोजिशन देखिए, इसमें विटामिन ए है सबसे ज़्यादा, उसके बाद विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी भी है और विटामिन B12 भी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बर्ड के ब्रीडिंग के लिए। इसका दाम है, MRP लिखा है 245, या इजीली आपके पेट शॉप में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है इविगोन ई, ये आपके बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग सीजन में बहुत ही काम आएगा क्योंकि इसमें विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12 है जो कि ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों ये अगर ठीक ठाक, ये सब विटामिन अगर शरीर में ठीक ठाक नहीं होगा तो बर्ड्स का एक ठीक तरीके से फर्टाइल नहीं होगा और बर्ड्स भी बहुत ही दुर्बल प्रकृति का होगा। इसका दाम है दोस्तों, इसका दाम है MRP लिखा है 138 रुपीज़। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है मेरीफ्लॉक्स, मेरीफ्लॉक्स ये मैं एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करता हूँ मेरे बर्ड फार्म में। इसका कॉम्पोजिशन है लिफोफॉक्सिन ओरल सॉल्यूशन 10%। इसमें दोस्तों बहुत सारा काम होता है, ये बर्ड्स को ठंडा लग जाए तब भी ये काम आता है, उसको मोशन आ जाए या फिर पेट का कोई भी बीमारी हो उसको ये आप यूज़ कर सकते हो, सब में काम करता है ये मेडिसिन। और इसका MRP लिखा हुआ है 225 रुपीज़। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बोनिसोन जो हिमालय का मिलता है, ये जो है ये बोनिसोन का ड्रॉप है, ये 60 रुपये इसका दाम है। ये बर्ड्स के हजम में हेल्प करता है और पेट का दर्द भी दूर करता है दोस्तों। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बर्ड फार्म के लिए वो है ये नॉर्मेट्रोजिल, नॉर्मेट्रोजिल बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है दोस्तों। ये प्रोटोजोआ मारने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि बारिश के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में बहुत सारा लूज़ मोशन का प्रॉब्लम होता है बर्ड्स के, चूज़े को और बड़ा बर्ड्स को भी, तो मैं ये यूज़ करता हूँ मेरे बर्ड फार्म में। नॉर्मेट्रोजिल लूज़ मोशन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और इसका दाम है 36 रुपीज़। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है
कैल्डिसोल डीसी। कैल्डिसोल डीसी ये बर्ड्स के कैल्शियम है, ये कैल्शियम के लिए मैं अपने बर्ड फार्म में यूज़ करता हूँ। कैल्शियम बर्ड्स को सारा साल ही लगता है। इसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 और विटामिन B12 भी है। विटामिन D3 अगर नहीं रहेगा तो कैल्शियम बर्ड्स के शरीर ले नहीं सकता है, इसीलिए विटामिन D3 होना बहुत ही ज़रूरी होता है बर्ड्स के कैल्शियम में। इसका दाम है 167 रुपीज़ जो MRP में दिया हुआ है। ये कैल्डिसोल DC आपके नियरेस्ट पेट शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट है एम्बीप्लेक्स। इस मेडिसिन को मैं अपने बर्ड फार्म में सारा साल यूज़ करता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें विटामिन बी का बहुत सारा कॉम्पोजिशन मौजूद है। इससे क्या होता है, बर्ड्स का ओवरऑल हेल्थ ठीक रहता है और बच्चा भी बहुत जल्दी बड़ा होता है, और उसके साथ साथ जो बड़ा वाला बर्ड है उसका फेदर का कलर और ग्रोथ भी ठीक रहता है। इसमें बहुत सारा कॉम्पोजिशन है जो कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर 231 रुपये जो MRP में दिया हुआ है। नेक्स्ट मेडिसिन है इलेक्ट्रोकॉन। इलेक्ट्रोकॉन हम लोग जैसे इंसान लोग जैसे ग्लूकॉन डी यूज़ करते हैं गर्मी के लिए, वैसे ही बर्ड्स के लिए ये है इलेक्ट्रोकॉन। हम लोग के यहाँ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये साउथ एशियन कंट्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है और गर्मी भी बहुत होता है, तो इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रोकॉन है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फेट ये सब रहता है जो कि बर्ड्स को डिहाइड्रेशन से बचाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पल्सर्टीला 30। ये मैं मेरे बर्ड के फार्म में यूज़ करता हूँ जब एक बाइंडिंग का प्रॉब्लम होता है, बर्ड जब नीचे चुपचाप बैठा रहता है, एक दे नहीं पाता है, तब मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि अंडा तो पेट के अंदर ही रह जाता है तो उसको कैसे निकालूँ, उसके लिए मैं ये वाला मेडिसिन यूज़ करता हूँ। इससे बहुत बर्ड्स को बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों ये सब कुछ मेडिसिन था बहुत ही कम दाम में और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन। मैं अपने बर्ड फार्म में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन यूज़ नहीं करता हूँ। आप अगर चाहो तो आप भी आपके बर्ड फार्म में ये मेडिसिन ईजिली यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को अगर ये सब मेडिसिन के बारे में कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरा जितना दूर तक नॉलेज है मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा, और मैं आशा करूँगा मेरे ब्रीडिंग फार्म की तरह ही आप लोगों के फार्म में या फिर घर में जो बर्ड है वो भी अच्छी तरीके से ब्रीड करेगा और हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि ये सब मेडिसिन कैसे, कहाँ और कब यूज़ करना है, कौन सा सिचुएशन में बर्ड को ये मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। बाय।